तो हम लोग इस समय हैं तमिलनाडु में, फिलहाल हम ही हैं। उसके बाद बस आई और मुझे एक धनुषकोड़ी प्लेस करके वहाँ पे ड्रॉप करके चली गई। उसके बाद बस यू टर्न ले ली और इधर पता लगाया मैंने, तो पता कि उन्होंने बताया कि 8 बजे के बाद 8 बजे वाली एक बस है जो लास्ट पॉइंट तक जाती है, जहाँ से राम सेतु स्टार्ट है वहाँ पर जाती है। तो मैंने 4.5 किलोमीटर के अप्रोक्स जो है बीच की दूरी है, तो मैं देख रहा हूँ यदि कोई मिलता है तो ठीक, नहीं मैं पैदल ही चला जाऊँगा। ये देखिए दो पूरा रेत और उसके बगल में देखिए पूरा ये समुद्र है और एक सीधा रास्ता बिल्कुल इस आप तरीके इस से तरफ देख पा एक्टिविटी। रहे होंगे बहुत तेज तेज धार जो है वो धाराएं चल रही हैं कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ के बाद आप देखिए इस तरफ इधर बिल्कुल जो है जल जो है शांत है, इधर कोई धारा नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है। आपको ये बीच में ही देखिए आकर के ही मैच करते हैं दोनों, इधर से जो धाराएं और इधर से जो तेज धाराएं हैं वो बिल्कुल आकर के यहीं पे मैच कर रहा है, दोनों यहीं पे मिलन हो रहा है। इधर ये जो है देखिए समुद्र जो है बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है जो है, ये देखिए। इस प्लेस को ही गल्फ ऑफ मन्नार का नाम दिया गया है। तो इधर अरब सागर इसको बोलते हैं। ये बहुत तेज में धाराएं चल रही हैं और ये बिल्कुल शांत है। और इस सामने देखिए देखेंगे आप, ये रेम्स राम सेतु से होते हुए सामने ये है राम सेतु, और इसके उधर 18 किलोमीटर दूर श्रीलंका है, जैसा कि उन्होंने बताया था यहाँ के जो लोकल लोग हैं।